रचित भाई, तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं मेन चैनल पे व्लॉग डाला करूंगा, क्या ये सही डिसीजन है? हाँ भाई बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। अरे अरे थैंक यू। डाल भाई डाल। क्या लगता है सौरभ जोशी को पीछे छोड़ दूंगा? भाई वो तो फिर तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करता है यार। मेहनत तो मैं भी नहीं करता। हेलो एवरीवन, तो मैंने डिसाइड कर लिया है क्योंकि मेरे भाई ने बोला कि भाई मेन चैनल पे व्लॉग डाल अगर लोग देखेंगे तेरे व्लॉग। सच बात है। और क्या भाई, जब कोई अगला नहीं डाल रहा नॉर्मल वीडियोस तो व्लॉग डाल ले, व्लॉग रेगुलर शूट भी कर सकता है, इसके पास टाइम नहीं है, वाली वीडियो शूट करने में बिजी रहता है, तो ठीक है व्लॉग ही सही। तो गाइस अब से व्लॉग आया करेंगे और पहला ही व्लॉग मैं थाईलैंड का डाल रहा हूँ। यस, ऑल द वेरी बेस्ट भाई। भाई को सपोर्ट कर देना, थोड़ा व्लॉग पे प्यार दिखा देना ताकि अगला बंदा रेगुलर व्लॉग लाए, अच्छे अच्छे व्लॉग लाए। थैंक यू। और कुछ कमी वमी हो तो वो भी कमेंट करके बता देना ताकि पूरी कर पाए, क्योंकि नया नया व्लॉगर होना है मेरे भाई और मैं हाथ में जुराब लेके खड़ा हूँ। ऐसे ही बनाया करूंगा व्लॉग। तो भैया मेन चैनल पे व्लॉग आया करेंगे मेरे। अच्छा, आई डिसाइड। जय बाबा की। जय बाबा की। चल रहा घूमने? घूम रहा है। बाय बाय, जल्दी आ, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो 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 चलो, दीवे घर चल रहे, चल 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 चल। ओके गाइस, बाय बाय। तो अभी मेरे को उतारने के लिए आए हैं पंकज भाई के घर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है, हम चल दिए हैं थाईलैंड, मैं पंकज, आशीष भाई और राहुल भाई। बस कुछ जल्दीबाजी में प्रोग्राम बन गया, इतनी जल्दबाजी में बन गया कि भूख लग रही है बहुत तेज। चलो फिर बताएंगे ये कहानी अधूरी। अभी चलते हैं, आशीष भाई आ जाए और राहुल भी आ जाए। चलो ऐ देख लो जी, पहले हम लोगों को चार लोगों को जाने का प्लान था, फिर बीच में एक दरार आ गई। रचित रोजा के मुंह पे दरार आ गई, हमारा भाई आ गया। क्या हाल है भाई? डिफेंड कर लो भाई, गैंगस्टर को दिखाऊं। तेरे तू देख ले, तू भी देख ले भाई, मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? 158 करोड़ पॉइंट। अरे रुपीज है भाई, वो छोड़ दे YouTube। 158 रुपीस। एक वो लगा दूंगा यहाँ से, क्या करूँ ना, बार कोड भेज दो साहब। 10 रुपए दे दो, तुम्हारा क्या जा रहा है? बाकी स्विस बैंक में है ना? किस में? स्विस। कौन से बैंक में? स्विस अकाउंट में। स्विस। चलो चलो, फ्लाइट मिल जाएगी? क्या लगा है? पता नहीं यार। चलो अभी तो करेंसी एक्सचेंज करा रहे हैं। भी ठप्पा लग चुका है पासपोर्ट पे और अब भूख लग रही है, कुछ खाएंगे। ये देख लो T3, कुछ ऐसा सा दिखता है। ये देख लो जी, 1 रुपए में खाना, खाने की तैयारी करते हुए बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। भाई आशीष भाई और रचित पीछे रहेगा, मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहे, कुछ ही देर बाद ये बंद हो जाएंगे। फिर क्या होगा ब्रो? दिखे दिखे तो मैं इसको चला रहा हूँ जब तक, ताकि किसी को परेशानी ना हो जाए। भाई आप परेशानी क्रिएट कर रहे हो, पता है आपको? भाई आप ऐसी हरकत कर रहे हो, खराब हो जाएगा ये। चलो गाइस, तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं फ्लाइट के अंदर और फोर में बैठे हो खत्म। इधर पंकज बैठे रोल आगे बैठा, उसकी सीट अलग है। अब चल लेंगे, घूमेंगे, सोएंगे, फिर पहुँचेंगे। दिल्ली तो बहुत छोटा यार। फाइनली थाईलैंड की धरती पे कदम रख दिया है और अभी टाइम हो रहा है 4:20। पूरे थे हम 10:40 पे। ऐसा कुछ दिखता है थाईलैंड का एयरपोर्ट। ये पंकज भाई है। हेलो, हाउ आर यू? खाना खा के जाना? हाँ भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई, बढ़िया। गर्मी हो रही यार, अंडमान वाला वेदर है भैया, देखो सेम है ना।
देख लो थाईलैंड का माहौल कुछ ऐसा है। रंग बिरंगी गाड़ियाँ, पिंक कलर की, येलो कलर की टैक्सी, ये यहाँ तक बुक हुआ है टैक्सी वैक्सी, जो कुछ एयरपोर्ट ऐसा दिखता है यहाँ का। या देख लो भाई ये खड़ी, वो या तो वाई सिटी वाली है, वाई सिटी में देखी थी भाई मैंने तो। ये फॉर्च्यूनर में बैठ गया पूछ लो। अरे फॉर्च्यूनर है लिखा, टोयोटा लगा हुआ लिखा, इतना बड़ा लगा इनोवा भाई देख ले। टोयोटा फॉर्च्यूनर भी तो टोयोटा की है भाई, मान गया। फॉर्च्यूनर किसकी है, मर्सिडीज की? बताओ जी, दसो जी। पिंक वाली गाड़ी में क्यों नहीं गए? अरे अच्छा ऐसा है क्या? फोन भी देख लो कैसे 3D 8D 9D। अब डिस्प्ले खराब हो रही है, जब ये गाड़ी चेंज कर ले इसमें मेरे को बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रही थी। अरे तो अभी इसमें बैठ रहे हैं, अपना ही फॉर्च्यूनर बैठोगे। ओ तेरी भी नाइस। तो यार एक नंबर की फॉर्च्यूनर आ गई है, अब देखो। और इसकी ड्राइवर पता कौन है? पहली बात तो इसके काले शीशे हैं, यहाँ कोई रोक टोक नहीं। यस, ये ड्राइवर है देख लो जी। और भी हमारा सामान शिफ्ट हो रहा है। ऐसी ड्राइवर इंडिया में मिल जाए तो यार सफर कट जा, पता भी ना चले हमारे ड्राइवर की लड़ाई किसको भेजना है। बैठो 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 फटाफट, पीछे भी जाएगा कोई? पीछे भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल में, और भाई रास्ता ऐसा मजेदार कटा। बाय। No, bye. Yeah, you gonna stay here? Yeah. Okay. Bye, bye. Nice to meet you. Okay. Hello, bhai. ये थाईलैंड के ड्राइवर है। Say hi. जय श्री राम। जय श्री राम। राम राम। राम राम। जय बाबा की। जय बाबा की। Yeah. Rom okay. Rom. Rom. जय बाबा की। Hello guys. Good morning. आज हमारा दुबई में दूसरा दिन है, थाईलैंड में दूसरा दिन है। तो अभी हमारे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही, टाइम हो रखा है 2-2 बज रखे हैं, हम उठे 1 बजे, नहाए तो नहीं अभी, फ्रेश वगैरह हुए और फिर निकल लिए हैं अभी भाई इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा देख ले। चलो भाई मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैप में कहाँ पर है इंडियन रेस्टोरेंट, उसके बाद हम मैं बनाता हूँ लोग। देखो भाई एक मिनट का बस माहौल देखो यहाँ का। अभी हमने मैप में सर्च करा, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है, हम जा रहे हैं फिर कुछ खाएंगे, उसके बाद नहा धोकर चलते हैं, खा जाएंगे आज खाते हैं। बाकी यार रात की जिंदगी है, एक नंबर की, रात को अलग माहौल था। पर यहाँ पे ना भाई सिस्टम है, एक नंबर का सिस्टम, जैसे कि आप देखो जाम लग रखा है यहाँ, कोई हॉर्न नहीं कुछ नहीं, देखो चुपचाप। और हाँ ये जो है ना, यो यहाँ पे इसको कहा जाता है टुक 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 टुक, मतलब जैसे अपने वहाँ तो बैटरी वाले रिक्शा चले, तो यहाँ पे इसमें बैठ जाओ। देख लो यहाँ का माहौल, जो द रेड बुल रेस्टोरेंट, ऐसा कुछ माहौल है यहाँ का। यहाँ पे हाथों से मसाज होती है भाई, यहाँ पर हग मी हग करके। अरे भाई यहाँ की खास बात है ना, इतने बुढ़े आ रखे, मतलब रहते हैं यहाँ पे छिल मारते हैं बुढ़े। अभी जो दुकान आ रही है ना दिखाऊंगा, उस पर छिपकली पता ना क्या क्या मिला है, बस केकड़ा छिपकली। हाँ जी यार क्या हाल है भाई? ठीक है भाई, अपना भाई मिल गया था भाई प्रधान जी, ये राहुल भैया मिल गए, अभी अपना भी रहा है देख लो भाई, अंग्रेज सब है। टुक टुक चलते हैं यहाँ, टुक टुक यहाँ की रेहड़ी भी इतनी प्यारी है ना देखो। और हाँ यहाँ पर हर गाड़ी के ना काले शीशे हैं, कोई जुर्माने नहीं कोई कुछ नहीं। देख लो कार फॉर रेंट, क्या प्यारी कार है देखो, काले शीशे, हर गाड़ी के काले शीशे मिलेंगे हर गाड़ी के। ये देख लो भैया शॉपिंग कर रहे, चप्पल ले रहे, खाली आता आ जैसे था वैसे आ गया ऐसे हाल में। ये पता है क्या होती है भाई, ये होती है रही सी कि ऑफिस से सीधा थाईलैंड ऐसे ऐसे एक लैपटॉप बैग लेके आ गया कच्चे कच्चे में। सॉरी यू आंटी की 16 लेडी है लिखी थी, बता दो भाई कुछ लाना होता तुम्हारे लिए, ये चश्मे रहने दो यहीं देख लो। ये देख लो भैया ने शॉपिंग कर लिया है यहाँ पे, भैया बढ़िया लग रही है सच बताऊंगा, लुक लाइक बादशाह, बादशाह लाइट भैया तुम लग रहे हो बादशाह लाइट लाइट। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, भाई आज है दूसरा दिन, तो थोड़ी सी क्लिप तो मैंने डाल दी थी, अब जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे भाई?
आज वो किंग स्ट्रीट खुली है ना, आज कल तो वो था यहाँ पे ड्राई डे था, कल यहाँ पे बुद्धा डे था, तो बता तो दे क्यों था ड्राई डे, बता दिया मैंने पहले, बुद्धा डे है ना, हाँ था मतलब कल इधर, कल था बहुत बड़ा दिन, जैसे अपने यहाँ पे गांधी जयंती होती है ना, तो यहाँ पे बुद्धा जयंती थी कल, तो अब जाएंगे और चिल करेंगे, मैं जाने के लिए जा रहा हूँ, तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और भाई देखो शेयर तो करो, नहीं तो मना पता, चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले व्लॉग में।